तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नाइस हेयर विक में। मैं आपका दोस्त परवेज। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हेयर पैच कौन कौन सी क्वालिटी के हैं और इनमें बॉर्डर कितना सॉफ्ट होता है और कितना इनमें आपको इसमें दिखाने वाला हूँ मैं सारा आपको, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक पैच है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी ब्रांड नहीं है, ये हल्की ब्रांड में है। बाकी मैं इसके आपको बाल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखना दोस्तों, भाई जैसे आते हैं हमारे पास हम वैसे ही रख देते हैं कॉम करके। हम ऐसा कोई शाइनर वगैरह लगा के आपको नहीं दिखाते कि भाई शाइनर लगा के हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें शाइनर वगैरह का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल है एकदम। सबसे सस्ते वाली क्वालिटी में एक ये पैच है हमारे पास, ये सॉरी, हाँ इसका रेट तो मैं बताना भूल गया आपको। इसमें रेट है सर 6,000 से स्टार्ट है ये वाला। बाकी इसके बाद एक और पैच है, फिर इसके बाद है दोस्तों एक ये पैच है आपका 9,000 की रेंज में। इसमें क्या है, बॉर्डर भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और नेट भी थोड़ी सिल्क में आ जाती है और बाल भी थोड़े अच्छी क्वालिटी में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप देखना, देखिए काफ़ी अच्छा पैच है दोस्तों। और फिर इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है फाइन हारमोनो, फाइन हारमोनो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये फाइन हारमोनो पैच है, बाल इसके भी बहुत बढ़िया। पार्टीशन चाहो जहां मर्जी से इसमें पार्टीशन ले लो आप, देखिए पार्टीशन जहां मर्जी से ले सकते हो। और दोस्तों बालों की जो लंबाई इसमें आपको मिलेगी, इसमें 5 से 6 इंच की लंबाई मिलेगी। इसमें आपको 5 से 6 इंच से ज़्यादा लंबाई दोस्तों इसमें नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे मेरे पास में 5 से 6 इंच की लंबाई मिलेगी इसमें इसमें आपको, ठीक है। बाकी इसके बाद में एक है रेगुलर मोनो, जैसे कि लोग हमारे दोस्त जो यूज़ करते हैं वो जानते भी होंगे कि भाई रेगुलर मोनो कैसा पैच है। तो भाई रेगुलर मोनो बहुत बढ़िया पैच है और रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है, भाई ओरिजिनल पैच है ये, रेगुलर रेगुलर का कॉपी नहीं है। देखिए हम लोग क्या है, कॉपी भी रखते हैं और ओरिजिनल भी रखते हैं। जैसे आपको हम दोनों चीज़ें दिखाते हैं कि आपको कॉपी चाहिए या ओरिजिनल चाहिए। भाई देखो कॉपी हर जगह कम रेट में मिलेगी आपको, मेरे पास नहीं हर जगह ही कम रेट में मिलेगी, आप चाहे कहीं से भी लगवाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखना बाल बहुत ही बढ़िया है इसके और लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है इसकी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों, बिल्कुल हल्की क्वालिटी में है पैच, बहुत अच्छा चलने वाला पैच है ये। और पार्टीशन भी, पार्टीशन के मामले की बात करते हैं तो पार्टीशन ये देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया पार्टीशन आएगा आपका। फिर इसके बाद में है ये गोल्डन स्काई, जैसे कि आप देख रहे होंगे गोल्डन स्काई, ठीक है। पैच लाजवाब पैच है भाई, नेट देखोगे तो नेट के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बॉर्डर देखोगे तो बॉर्डर और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। जैसे कि आपको पैच अभी दिखाए तो बॉर्डर इसमें और भी पतला हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। और बाल तो खैर आपने देखे, इसके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए बहुत बढ़िया बाल है इसके एकदम। कलर कोई ज़्यादा ब्लैक नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं है, नेचुरल ब्लैक कलर मिलेगा इसमें आपको। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये गोल्डन हेयर। तो भाई गोल्डन हेयर के बारे में जो दोस्त हमारे यूज़ करते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई गोल्डन हेयर का माल कैसा है और कितनी लाइफ है इसकी, ठीक है। तो लाइफ देखिए सर इसकी काफ़ी अच्छी होती है इसकी भी। और ये वाला भी पैच मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया पैच होता है दोस्तों ये, देखिए। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इसमें, ऐसा नहीं कि हल्की क्वालिटी में, बाल सिल्क होता है और शैम्पू कंडीशनर के बाद में और भी बढ़िया पैच हो जाता है ये। इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी एक पैच ये फिर आया लास्ट में हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच, ठीक है। तो इसमें जो कुछ हमारे दोस्तों का सवाल था कि भाई हमें डेंसिटी बहुत ही हल्की चाहिए, ठीक है, तो इस पैच के अंदर भाई डेंसिटी हल्की आती है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे आर पार दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी हल्की होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे बालों को बिल्कुल ऊपर से गुच्छा सा लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जाली के मामले में देखें तो जाली सबसे बढ़िया जाली इस पैच के अंदर है और बॉर्डर भी काफ़ी सॉफ्ट है,
सबसे ज्यादा पतला बॉर्डर देखोगे तो आप इसी का देखोगे, आप इससे ज्यादा पतला बॉर्डर किसी भी पैच में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया पैच, और क्या है कि इसके जो बॉर्डर होता है इसमें से आपका ग्लू पैच के अंदर, वो बालों के अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें आगे की तरफ भी बॉर्डर है, ये फ्रंट लेस पैच नहीं है। अगर आप फ्रंट लेस की बात करेंगे तो मैं फ्रंट लेस को भी आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं फ्रंट लेस भी हमारे पास अवेलेबल है, देखिए दोस्तों, ये है फ्रंट लेस आगे जाली वाला, ठीक है, ओरिजिनल पैच है दोस्तों, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन पैच भाई बहुत ही बढ़िया होता है, पूरे फ्रंट पे इसके जाली है इधर, और काफ़ी नेचुरल स्टाइल आता है। लाइफ की बात करेंगे तो भाई लाइफ बहुत कम होती है इसकी, लाइफ मिलेगी मात्र इसमें आपको 6 महीने की, 6 महीने की लाइफ मिलेगी दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा की लाइफ नहीं है। देखो जो भी मैंने आपको बताया सारा इसमें बिल्कुल एकदम रियल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको मैंने कोई झूठ बताया हो। लोग बाग बोलते हैं देखिए कोई 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, कोई हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल आती है कहते भैया वो हमें 5 साल की गारंटी दे रहा। तो भाई देखो गारंटी नहीं होती, ये तो आपकी मेंटेनेंस के ऊपर चलता है, जितनी अच्छी आप इसमें मेंटेनेंस करेंगे इतना बढ़िया ये चलेगा आप ये, ठीक है। तो आप चाहते हो ये हमारे सेंटर आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको जैसी भी क्वालिटी चाहिए हमारे पास सारी क्वालिटी मिलेंगी। अब जैसे मैंने ये दिखाया, अब एक लास्ट की क्वालिटी दिखानी है आपको, मेराज हेयर पैच, ठीक है। मेराज में भाई काफ़ी अच्छी बढ़िया क्वालिटी होती है एकदम, तो मेराज हेयर पैच, ठीक है, बॉर्डर वाला मेराज है भाई। जब भी लो तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा भाई, आगे बॉर्डर वाला मेराज हेयर पैच ही लेना, कहीं से भी लो आप, ठीक है। तो बॉर्डर वाले में क्या होता है दोस्तों, देखो ग्लू जो है बालों के अंदर नहीं जाता आपके, वो बॉर्डर पे ही रुक जाता है। अगर थोड़ा बहुत ग्लू आपके इधर आगे फ्रंट की तरफ बालों पे आ भी गया तो वो सब चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे साफ करना है। अगर आप घर पे हो या घर से बाहर हो, कहीं भी हो आप, तो उसे इजी तरीके से आप साफ कर देते हो। बाकी अब आपको दिखाएं इसकी नेचुरलिटी के बारे में, तो नेचुरलिटी देखो दोस्तों बिल्कुल एकदम स्किन की तरह दिखाई देगा ये आपको, देखिए बिल्कुल एकदम स्किन की तरह दिखाई देगा ये आपको, देखिए जैसे आपके सर के अंदर से ही बाल निकल रहे हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, जबरदस्त होती है। आप चाहते हो यहाँ हमारे सेंटर आ सकते हो, दिल्ली भजनपुरा पेट्रोल पंप के सामने है हमारा सेंटर, और ये मेट्रो का जो पिलर नंबर है ये 86 नंबर है, 86 नंबर पे आप देखो आओगे तो आप सेकंड फ्लोर पे नज़र मारना कि हमारा बोर्ड दिखाई देगा आपको, नाइस हेयर वीक के नाम से। जब भी आप आएंगे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, मंगलवार में हमारी छुट्टी होती है, ठीक है, मंगलवार में कभी भी मत आइए, ठीक है। मंगलवार में अगर कहीं दूर से आप आते हैं, अगर इमरजेंसी है तो हमें आप 2 दिन पहले कॉल कर देना कि भैया मंगलवार में मिल जाना, क्योंकि दोस्तों हमें भी बहुत काम होते हैं यार, है ना। तो आप मंगलवार में जब भी अगर आओ इमरजेंसी में तो हमें 2 दिन पहले कॉल करना, क्यों, ताकि हम आपको मिल जाए यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो देखिए आपको मैं बहुत सारी ऐसी मैं क्वालिटी दिखाता रहता हूँ, या मैं आपको अपना काम भी करके दिखाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इसे हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों सर आए हैं हमारे पास, सर कौन सी जगह से हैं आप? ये हम बाराबंकी जिला से हैं, यूपी में, ठीक है। देखिए दोस्तों सर हैं बाराबंकी जिले से हैं सर, यूपी से, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आज हमारे पास में आए हैं सर हेयर पैच लगवाने के लिए, वो भी टेपिंग वाला, कि सर को हमने इसमें सब कुछ इसमें बता रहे हैं कि सर को कैसे वॉश करना है। सर हमें ये तो आपने देख लिया कि कैसे वॉश करना है? जी जी देख लिया। इसमें वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए दोस्तों सर ने जैसे कि आपने सर को अभी दिखाया कि कैसे वॉश करना है, या अभी सर को हटा के लगा के दोनों तरीके से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पैच लगेगा और कैसे हटेगा। देखिए आप सर का जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको स्टार्टिंग से दिखाएंगे आज, ठीक है, करिए स्टार्ट करिए। देखिए इस तरीके से ये रिमूव होगा आपका, जो ऊपर के हल्के बाल हैं
तो देखिए गाइज, अब इस पे पैच के ऊपर जो है टेप लगाई जा रही है, ये आप देखिए इस तरीके से टेप लगाई जा रही है, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, ये सर के लग रहा है हेयर पैच टेपिंग वाला, ठीक है। इसमें सर घर पे ही करेंगे, इनमें सब कुछ हमने बता दिया है आपको। ये देखिए, देखिए फोर फिंगर के ऊपर से आपको लगाना है ये हेयर पैच। और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ में आएगा ये, जैसे कि अभी बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे, कटिंग करके भी दिखाएंगे आपको। जैसे अभी टेप लगाना बताया था इसमें, तो इसी तरीके से आपको इसमें कटिंग भी करके दिखाएंगे अब हम। ये देखिए गाइस, अब सर की कटिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको दिखाते रहेंगे। और देखिए बीच में से भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मांग की तरफ से, जैसे स्कैल्प के अंदर से बाल निकल रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ में आएगा। तो देखिए गाइस, अब थोड़ी सी बात हम सर से कर लेते हैं, सर के साथ में आए हैं ये भी। तो सर, ये बताइए कि जो सर का काम हो रहा है अभी, कैसा लग रहा है आपको अभी? ठीक लग रहा है। देखिए सर को इतना नहीं पता जितना आपको, पीछे से आप देख रहे हो कि कैसी फिनिशिंग आ रही है इसमें, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक लगा। जब इतनी दूर से आए हैं, कुछ नहीं, बाराबंकी से 500-600 मीटर, तो ये 650 मीटर। देखिए बाराबंकी जिले से आए हैं सर, साथ में हैं। बढ़िया अच्छा लगा कि दुकान थोड़ा सा ना मेन रोड पर आने में थोड़ी सी दिक्कत, हाँ, तो थोड़ा कंट्री से काम। तो आने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन रोड पर एकदम दुकान है हमारी, रोड पर दुकान। ये अच्छा लगा, पहली बार आए हैं, ये अच्छा लगा। आनंद विहार से कोई दिक्कत है? बाराबंकी से आनंद विहार तक यहाँ भजनपुरा। दोस्तों मेन रोड पे ये एकदम दुकान हमारी, कहीं अंदर कॉलोनी के अंदर नहीं है। तो देखिए गाइस, आप सर की फिनिशिंग चेक कर लीजिए आप, कि कैसी फिनिशिंग लग रही है आपको? सही लग रही है। सर कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। फिनिशिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप अनकम्फर्टेबल हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बस पहली बार है थोड़ा सा जो है, हाँ ऐसा लग रहा है कि जो है। देखिए दोस्तों, आप भी पहली बार आओगे, आपको भी थोड़ा सा यहाँ से उठा लगेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बाल नहीं होते हमारे, और एक साथ ही बाल आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा अजीब सा हमें फील होता है हमें, ठीक है। जैसे जैसे इसे आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा ये, ठीक है। बाकी कैसा स्टाइल लग रहा है आप लोगों को, तो आप ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, ये लग रहा है सर के हेयर पैच, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है सिल्क हेयर में, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसका। बाकी आपको अभी कटिंग चल रही है इसमें, बाकी आपको दिखाते रहेंगे इस बीच बीच में आपको, कि कितना बढ़िया इसमें लुक आने वाला है। सर ने मांगा है हेयर स्टाइल, जो मांगा है सर ने लंबे बालों में मांगा है, तो लंबे बालों में आपको हेयर स्टाइल इसमें बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइज। तो इसमें आपको दिखाने वाले हैं हम हेयर स्टाइल। तो बाकी हमारे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पूरा इजी तरीके से सब समझ में आ जाए इसमें आपको। तो देखिए गाइस, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे क्या नाम है, स्कैल्प के अंदर से बाल निकल रहे हैं। देखिए आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए गाइस, सर का काम हो चुका है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, कि नज़दीक से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भैया फ्रंट भी दिखाइए हमें, तो आप फ्रंट भी चेक करिए, इसलिए मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए देखते रहना दोस्तों ध्यान से, और आपका भी ऐसी लुक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ हमारे सेंटर आ सकते हो दिल्ली भजनपुरा में। तो हम खुद ही सर से पूछते हैं कि सर हमारे पास कितने टाइम से जुड़े हैं? मुझको हो गया लगभग 10 महीने तो हो गए, एटलीस्ट 10 महीने से कंटिन्यू हमारे।
अच्छा, तो सर ये बताइए कि जो पहला पैच था वो आपका हमारे यहाँ से तो नहीं था? नहीं। ठीक है, तो उसमें और इसमें आपको क्या कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा सर? हाँ, ये थोड़ा लाइट है, वो थोड़ा अलग था, तो थोड़ा बालों में डिफरेंस भी है। और जो सर ने जो पहले पैच जो लगवाया था वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो गया था। अभी भी सर को हमने बताया कि सर ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी ली है, कि भैया क्वालिटी थोड़ी अच्छी देना। तो 10 महीने से सर हमसे जुड़े हुए हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी हमने सर को सर्विस भी अच्छी कराई। अच्छा सर ये बताइए, चलो पैच की बात छोड़ते हैं, ये बताइए कि आपको जो हमने 8-10 महीने से सर्विस जो दी है उसको सर्विस का रिजल्ट कैसा है आपका? वो बहुत अच्छा था, मतलब 10 महीने से वो पैच लगी रहता है चलेगा, बट आपकी सर्विस के बाद चल गया। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप भी यहाँ हमारे सेंटर आ सकते हो, यहाँ दिल्ली भजनपुरा पेट्रोल पम्प के सामने है बिल्कुल। मंगलवार में ऑफ होता है, बाकी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में आप आ सकते हो यहाँ पे हमारे सेंटर में। ठीक है गाइस, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।